तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉप का कनेक्शन पैरेलल में कैसे करते हैं अपने टॉप के अंदर। इसके साथ मैंने आपको दिखाया यहाँ पर अपना नेटवर्क प्लेट, वो भी लगी हुई है, और एक यहाँ पर 450 HF लगा है। इन सारे इक्विपमेंट का आपस में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं सब कुछ बताएंगे। ये कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये क्या बता रहा है, लेकिन भाई ये उन एक्सपर्ट के लिए वीडियो नहीं है, जो लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेचारे इसके विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इतना आपने देखा, सबसे पहले आपका हम कनेक्शन करना बताते हैं। यहाँ पर अंदर देखिए आप, यहाँ पर आपका जो है ये हमारा टर्मिनल लगा हुआ है, वो जो स्पीकॉन सॉकेट जैसा होता है, और लेकिन इसमें टर्मिनल प्लस प्लस और माइनस के होते हैं, इसको पीछे से हमको ऐड कर देना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि नेटवर्क प्लेट का कनेक्शन कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पर नेटवर्क प्लेट हमने ऐड कर दिया है, 450 मॉडल का है। तो इसके सबसे पहले जो हमारे वायर होते हैं, जो हमारे ब्लैक और रेड वायर आते हैं, यहाँ पर इन और जी यहाँ पर लिखा, ठीक है, ग्राउंड है और इन है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी लाल वाली तार होती है, ये नेटवर्क किट से आई हुई है ये वाली, इसको हमारे एक स्विच की सहायता से, ये ऑन ऑफ स्विच है, यानी कि हम कभी अपने टॉप को एक्टिव करना चाहें, मतलब कि हाई स्विच में, तो इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वायर देंगे, और इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्विच में इस वाली वायर को हम यहाँ से लेके आए और यहाँ पर इन किए, और इससे हम अपने प्लस वाले पोल में इसे ऐड कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसकी ब्लैक वाली वायर लेना है, यहाँ इधर से निकली है, ये इधर से जो इधर ग्राउंड वाली है, और इसको लेने के बाद आपका है ये यहाँ से आई है। इसको जो है अब कैसे कनेक्ट करना है इसको भी बताएंगे। ये पहला इतना हो गया, ठीक है। इतना सबसे पहले देखेंगे अपना, इसमें सबसे पहले जो ये जो मेन तार हैं हमारे स्पीकर में जाएंगे, ये निकल के आते हैं, इनको एक ब्लैक और एक रेड ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद जो हमारा HF है, HF का जो ब्लैक वाला वायर था, ठीक है, इतना जो है हमने कर लिया। इसमें जो रेड वाला था हमने यहाँ पर दे दिया, और जो ब्लैक वाला है तो इस ब्लैक वाली जो यहाँ से आई है इसमें हमको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। ये पैरेलल के कनेक्शन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, और आप सपोर्ट भी अच्छा करते हैं, तो इस वीडियो में भी सपोर्ट करिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और जो ये हमारे आउटपुट चलते हैं नेटवर्क प्लेट से, ये आउटपुट सीधा हमारे HF में जाते हैं। HF में आपको कोई कनेक्शन दिखाना नहीं होता है, यहाँ पर HF का अंदर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमने इनको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम अपने स्पीकर कनेक्ट करेंगे। इतना कनेक्शन आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका जो है रिप्लाई करूंगा किस प्रकार से करना है। ये थोड़ा से जगह सक्रिय तो आपको बताते नहीं बनता, अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें और अच्छे तरह से हम आपको डिटेल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना ऐड कर लिया, इतना ऐड करने के बाद हमें दो स्पीकर ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऐसा करके आपस में एक कनेक्शन बना लेना है। ये फर्स्ट स्पीकर के लिए यहाँ पर हम इन कर देंगे, और आगे चल के ये वाला सेकंड स्पीकर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से हम ऐड कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे स्पीकर को ऐड करने की। इसको ऐसे बाहर रख लिए। ये हमारा स्पीकर है, जो कि एक बहुत ही बेहतर कंपनी है, टॉप टून। ये उसका इसका जो है मॉडल है 950 LF, और ये 15 इंच में है, और इसका जो है पावर मैक्स में 1000 वाट, और रेटेड पावर जो इसका RMS पावर है वो 750 वाट है। इम्पीडेंस 8 ओम का इसका भी है, तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है। आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस शॉप का आपको डिटेल भी दे दूंगा। आप चाहे जहाँ से हैं आप इसका जो है ऑनलाइन माल भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन की बारी करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अपनी ब्लैक वाली वायर लेंगे, जो कि हमारे मेन इनपुट से आई हुई है, और स्पीकर के इस माइनस वाले टर्मिनेट में अच्छे से सेट कर देंगे। ध्यान देकर इसे सेट करना है, क्योंकि ये PRDO का जो है इसमें लॉक लगा हुआ है। कंपनी इम्पोर्टेड माल मंगाती है इधर उधर से, और सारा कुछ इसमें कॉम्बिनेट करके देती है, जैसे हमारा डायनाटेक होता है वैसे ये भी कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम करती है, ठीक है। तो आप माइनस वाला लेंगे, माइनस ओ प्लस वाला, सॉरी प्लस वाले को भी हम अपने इस टर्मिनेट में ऐड कर देंगे। ये इतना तो हो गया हमारा। अब इधर से तो हमारा आया पावर इस वाले स्पीकर में गया, और इधर से हमारा नेटवर्क किट के लिए हो गया, और प्लस वाला वहाँ से डायरेक्ट हो गया। अब ये हमारे जो अगली वायर बची की है उस ऊपर वाले स्पीकर के लिए है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे फिक्स कर देंगे, ऐसे करके इस पोजीशन में फिक्स कर देंगे।
अपने मुताबिक इसे आपको सेट कर लेना है। और ये हमारी वायर बची हैं जो स्पीकर से चल के आई हैं, आप इनको अपने इस वाले स्पीकर में ऐड कर देना है। डीजे और म्यूजिक प्रोडक्शन एंड साउंड सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही ज़रूरतमंद वीडियो आता रहता है हर समय। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका कोई भी ऐसा वीडियो आए जिसमें आपका थोड़ा सा नई जानकारी मिले। अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो है सेम सिंपल सब इसका भी एक मेथड, डायरेक्ट इसका माइनस वाला लाना है, इसमें माइनस वाला ऐड कर देना है और इसके जो है प्लस वाले को इसके प्लस वाले में ऐड कर देना है। तो ये हमारा कनेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है, इसको भी इसमें फिक्स कर देना है। बराबर फिक्स हो जाने के बाद अब इसमें अपने जो है सारे स्क्रू लगा देने हैं और जो है हमारा इसके ऊपर से अपना जो जाली रखी हुई है इनको लगा देना है। ये बकवास मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, आपका समय थोड़ी बर्बाद करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।